हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स ये केवल 5 फंदों का डिज़ाइन है और 6 रो का, 6 सिलाई का ये टोटल डिज़ाइन है। 6 रो जो मैं बताऊंगी आपको, उन्हीं को ही आपने बार बार रिपीट करना है। आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो आपने अपने प्रोजेक्ट पे 5 के हिसाब से फंदे रखने हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं साइड के लिए। ये देखिए इसका राइट साइड और ये इसका बैक साइड। फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले आप अपना बॉर्डर तैयार करोगे, जो भी आपने बनाना है पहले बॉर्डर तैयार करोगे, बॉर्डर के बाद ही डिजाइन स्टार्ट होगा। देखिए कैसे स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा ये डिजाइन। फर्स्ट रो देखो कैसे बुननी है। पहला फंदा हम सरकाएंगे, ये एज स्टिच है। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे पहले हम उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। देखिए 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा हम पीछे करेंगे। अब देखिए 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदों के बाद हमने यहाँ से सिलाई घुसानी है। देखिए 3 फंदों के बाद फंदे पे सिलाई नहीं घुसानी है, 3रे और 4थे फंदे के बीच से हमने ये सिलाई डाली और इसे इस तरह से बुना। थोड़ा इसे लूज करेंगे इस फंदे को जो हमने बुना। अब देखिए धागा हम अपनी तरफ करेंगे और अब हम इन 3 फंदों के बीच से हमने सिलाई घुसानी है, ये देखिए, और बैक साइड से। ये देखिए धागा हमने अपनी तरफ इसलिए करा क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली बनानी है। देखिए जब हम इस फंदे को ऐसे बुनेंगे तो बीच में जाली भी बनेगी, 1 और 1 फंदा ये हो जाएगा, यानी कि हमारे 1 फंदा ये, 1 और 1 टोटल 3। 3 जो फंदे हमने यहाँ पे एक साथ बुने थे, 3 के हमारे वापस 3 हो गए। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन हम यहाँ से रिपीट करेंगे जो मैंने अभी बताया था, ये एज स्टिच को छोड़ के ये 2 फंदे ये और 3 फंदे, ये 3 फंदों का डिजाइन, सॉरी 5 फंदों का टोटल डिजाइन है। अगेन हम ये डिजाइन रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3, 3 फंदों के बाद 3रे और 4थे फंदे के बीच से हमने सिलाई ऐसे घुसानी है, इसको इस तरह से बुनना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसे लूज रखना है और धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली बनानी है क्योंकि हमें यहाँ पे। अब देखिए 1 2 और 3, 3 फंदों में एक साथ घुसाना है, बैक साइड से इसे बुनना है। ये देखिए थोड़ा ये टाइट होगा शुरू में, ये देखिए इसे हमने इस तरह से बुनते हुए लेना है। ये देखिए हमें ध्यान ये रखना है, जो फंदा हम ये बुनेंगे इसे हमने लूज रखना है थोड़ा, बाकी हमारे नॉर्मल बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन हम रिपीट करेंगे पैटर्न को डिजाइन वाले। देखिए 1 और 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3, 3 फंदों के बाद हमने ऐसे घुसानी है सिलाई और ये इस तरह से इसे थोड़ा लूज रखेंगे, इतना लूज रखेंगे हम। धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 3ों पे एक साथ सिलाई घुसाएंगे और इस तरह से हमने इसे बुनना है। 3 फंदों के हमारे पूरे 3 अगेन हो जाते हैं। धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 1 और 2, अगेन धागा पीछे, 1 2 3, 3 फंदों के बाद हमने सिलाई डाली इस तरह से, धागा अपनी तरफ करना है, 3 फंदों को एक साथ बुनना है। जो लोग बहुत ज्यादा कठिन बुनाई नहीं बुनना चाहते हैं, चाहते हैं कि केवल 2 सिलाई का बुनाई हो और 4 सिलाई हमारे बीच में प्लेन प्लेन हो, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है ये वाला डिजाइन। देखिए धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, अगेन देखिए 1 2 3 फंदों के बाद 4थे फंदे में डाला, 3रे और 4थे फंदे के बीच से डाला। देखिए धागा अपनी तरफ करना है और 3 फंदे एक साथ हमने बैक साइड से बुनने हैं। केवल 2 सिलाई में ये डिजाइन मेन आता है, बाकी बीच की जो 4 सिलाइयां हैं वो हमने सीधी सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी बुननी है। इसीलिए आपने जो 1st और 2nd रो है उन 2 रो को ही आपने ध्यान से देखना है। 1st रो और 2nd रो ही इस डिजाइन का मेन डिजाइन की जो 2 रो हैं वो ये 2 रो ही हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे बुना। लास्ट में हमारे बचेंगे 3 फंदे, जिन्हें हम तीनों फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए 1st रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 2nd रो कैसे बुनी जाएगी। पहला फंदा हमने सरकाया, जो फंदे हमने यहां से उल्टे बुने हैं उस साइड से वो इस साइड से सीधे बुने जाएंगे। 3 फंदे लास्ट में बचे थे जिन्हें हमने उल्टा बुना था, इस समय हमने उन्हें यहाँ से सीधा बुना। अब ये 3 फंदे जो डिजाइन के हैं उनमें से देखिए 2 फंदे तो हम बुनेंगे, 3रे फंदे को हम जो ये हमने बीच से डाल के निकाला था ये वाला फंदा, इसे हम बिना बुने उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे,
दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, तीसरा फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। देखिए अगेन धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, इन तीन फंदों में से, ये तीन फंदे जो डिजाइन के थे उनमें से दो फंदे तो उल्टे हो जाते हैं और एक हमने बिना बुने ही उतारना है। पूरी रो हमारी सेकंड रो इसी तरह जाएगी, दो फंदे सीधे, अब देखिए दो फंदे सीधे बुने हमने, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अगेन दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, एक दो फंदे उल्टे, एक बिना बुने उतारा, दो फंदे सीधे, देखिए दो फंदे उल्टे, एक बिना बुने उतारा। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हमने बुनना है सीधा। जैसे हमने शुरू में बैक साइड से हमने सेकंड रो बुनी थी, यहाँ पे तीन फंदे हमारे सीधे आए थे, वैसे ही इस साइड भी तीन फंदे, साइड साइड में तीन फंदे सीधे आएंगे, बाकी बीच बीच में दो फंदे सीधे आएंगे और दो फंदे उल्टे और एक बिना बुने सेकंड रो के। अब देखिए हमारी थर्ड रो कैसे आएगी। थर्ड रो पे हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, पूरी रो हमारी सीधी सीधी जाएगी। ये देखिए ये बिना बुनने वाला फंदा जो हमने ऐसे उतारा था, इसे भी हमने सीधा बुनना है, सारे फंदे। ये वाला फंदा जो बिना बुने उतारा था हमने, उसे थोड़ा आगे करना है, तब जाके ये बुना जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे बुनते हुए पूरे फंदे हमने सीधे सीधे बुन के ही ओवर करनी है थर्ड रो। अब देखिए हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अगेन हम आ गए फोर्थ रो पे। देखिए फोर्थ रो कैसे बुननी है, फोर्थ रो हमने पूरी उल्टी उल्टी बुननी है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स रो हमने सिंपल सिंपल सा बुनना है, जैसे सीधी तरफ से सीधा सीधा, बैक साइड से हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरा हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। देखो मैंने सारा उल्टा उल्टा बुना है, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं फिफ्थ रो। फिफ्थ रो भी हमने सिंपल सिंपल सा सीधा सीधा ही बुनना है और सिक्स रो भी हमने पूरा बैक साइड से उल्टा उल्टा ही बुनना है। जब हमारी टोटल ये चार रो हमने बुननी है, सीधी तरफ से सीधी और दो सीधी तरफ से सीधी सीधी और दो उल्टी तरफ से, फिर से हमने यही वाला डिजाइन डालना है जो मैंने फर्स्ट रो में आपको बताया था। इसी डिजाइन को हमने दोस्तों बार बार रिपीट करना है और हमारा ये डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय।